जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, बजरंग बली मोरी नाव चली, जय जय महावीर बजरंग बली। बोलो बज श्री राम की सीता जी के परम दुलारे, तुमरी लीला गावन कारण आया हूँ मैं शरण तुम्हारे। सिर पर हाथ धरो बजरंगी, वाणी में रस कलप की कथा सुनाऊं, एक से एक प्रसंग नियारे। शंकर सुवन कहे जब कोई, शंका में पड़ जाए सारे, आओ करूं निवारण शंका कैसे बने देवाधिदेव शंकर जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से जो अयोध्या नगर में मंगल गान और बधाइयों का दृश्य देखा था,
उसका वर्णन करते हुए पार्वती जी को बताया कि भगवान श्री राम 5 वर्ष के हो गए हैं और मेरा हृदय उनका बालमुख देखने के लिए छटपटा रहा है। मेरा जी चाहता है कि उनके बाल्य रूप के दर्शन करता हुआ अयोध्या में रहकर उनका गुणगान करता रहूं। ये सुनते ही कि शंकर जी मुझे छोड़कर अयोध्या चले जाएंगे, पार्वती जी का हृदय विचलित हो गया। क्यों भोला जी भूल हुई क्या, जो मोह त्याग चले हो स्वामी, सेवा में कुछ कमी हुई है, कौन सी आज्ञा मैं नहीं मानी, आप अयोध्या को जाते हैं, मैं कैसे जी पाऊंगी, अब वियोग न सह पाऊं मैं, तड़प तड़प मर जाऊंगी। जब पार्वती जी ने छलछलाते नेत्रों और भारी मन से ये बात कही तो शंकर जी मुस्कुराए और बोले, प्राण प्यारी उमा, मैं तुम्हें कैसे त्याग सकता हूँ। फिर शंकर जी ने अपने 11 रुद्रों का रहस्य बताते हुए कहा कि मैं उनमें से एक रुद्र को वानर रूप दूंगा और बाकी 10 रुद्र के रूप में इसी तरह तुम्हारे संग रहूंगा। मैं जो माया रचने जा रहा हूँ उसका तमाशा देखो। ऐसा कहकर शिव जी ने एक रुद्र से बन बजरंगी, गले में रस्सी डारी, 10 रुद्र से स्वांग बनाकर बन गए आप मदारी। डमरू लीना हाथ में अपने और त्रिशूल उठाया, रस्सी पकड़ी हनुमान की, ऐसा रूप सजाया, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग भगवान की। अब शंकर भगवान ने अपने एक रूप की बजाय 2 रूप धारण कर लिए। एक रूप था स्वयं शंकर भगवान का और दूसरा रूप था हनुमान जी का। पार्वती जी हनुमान जी का वानर रूप देखकर प्रणाम करने लगी और बोली, धन्य धन्य प्रभु तुम्हारी लीला, क्या ही सुंदर स्वांग बनाया, कौन पहचान तुम्हें सकता है, आपने ऐसी रची ये माया, कृपा करके ये बतलाए, कब लौट आओगे, देर लगाई यदि आपने, मुझे न जीवित पाओगे। भोला जी ने वचन सुनाया, चिंता करो न प्यारी, अभी गया और अभी मैं आया, एक घड़ी की लीला सारी, तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, यही पे देखो खेल हमारा, हमें नाचते और नचाते, देखोगी ये नाटक प्यारा, जय जय महावीर बजरंग बली, बोला। शंकर ने राम जी का ध्यान लगाया और पार्वती जी को दिव्य चक्षु देकर कहा कि अब तुम हमें राम जी के द्वार पर नाचते और नचाते देखोगी। बस फिर क्या था, पलक झपकते ही शंकर जी पहुंच गए अयोध्या नगरी और राजा दशरथ के महल के सामने बजाने लगे डमरू। बोलो शंकर भगवान की।
द्वार बजाया। भोला शंकर बने मदारी, यमदूत दशरथ द्वार बजायो। एक हाथ त्रिशूल और डमरू, एक हाथ त्रिशूल और डमरू, एक हाथ बजरंगी लीने, एक हाथ बजरंगी लीने। आप ही नाचे आप नचावे, आप ही नाचे आप नचावे, नाच नाच कर ये ही गावे, नाच नाच कर ये ही गावे। जय जय अवध बिहारी, भोला शंकर बने मदारी, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। बोलो बजरंग बली की जय। ये तो सभी जानते हैं कि जब वानर और मदारी किसी के द्वार पर जाते हैं और डमरू खड़काते हैं तो सबसे पहले उसकी आवाज पर बच्चों का ध्यान उस पर जाता है और बच्चे घर से निकलकर बाहर आ जाते हैं। बस ऐसा ही हुआ, राम लखन दौड़कर महल के द्वारे पर आ गए। राम लखन की जोड़ी आई, राम लखन की जोड़ी आई, भरत शत्रुघ्न पाछे आए, भरत शत्रुघ्न पाछे आए, ताली पीट मारे किलकारी, ताली पीट मारे किलकारी। जय जय महावीर बलकारी, भोला शंकर बने मदारी, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। बोलो बजरंग बली की। राम लखन को बाहर जाता देखकर उनके पीछे पीछे माताएं भी आ गई। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने बच्चों को गोद में उठा लिया और देखने लगी वानर का तमाशा। नाच रहे बजरंगी प्यारे, नाच रहे बजरंगी प्यारे, अपने प्रीतम राम द्वारे, अपने प्रीतम राम द्वारे। राम भजन में सुध बुध खोई, राम भजन में सुध बुध खोई, दुख हरता सुखकारी, भोला शंकर बने मदारी, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। बोलो बजरंग बली की। तनिक कल्पना कीजिए, कितना मनोरम दृश्य रहा होगा, कितना सुख मिल रहा होगा हनुमान जी को। राम जी ताली बजा बजा कर हंस रहे हैं, लेकिन डमरू बजाते बजाते अचानक शंकर जी ने रस्सी खींची और हनुमान जी को बैठने का इशारा किया और फिर दो कर जोड़ बोले भोला जी, दो कर जोड़ बोले भोला जी, ले मैया मेरा बानर था क्यों, ले मैया मेरा बानर था क्यों, युग युग जीवे बाल तुम्हारे, युग युग जीवे बाल तुम्हारे। ले अब चला मदारी, भोला शंकर बने मदारी, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। बोलो शिव शंकर की। मदारी और वानर के कर्तव्यों से प्रसन्न होकर महारानी कौशल्या ने हीरे जवाहरात से भरे थाल मंगवाए और मदारी भोला शंकर को अर्पण करने लगी। शंकर जी ने कहा, मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेचारी रानियां क्या जाने कि जिनकी एक दृष्टि से सारे पर्वत हीरे बन सकते हैं, उन्हें कौन कुछ दे सकता है। शंकर जी ने जाने के लिए हनुमान जी की रस्सी खींची, परंतु हनुमान जी तो पृथ्वी पर लेट गए। उन्होंने मूक भाषा में राम जी को इशारा किया कि भगवान, मैं तो आपके पास रहने के लिए आया हूं और भोले बाबा मुझे ले जा रहे हैं। कोई उपाय करो दीनानाथ, मुझे अपने पास रख लो।
तब राम जी कौशल्या माता से बोले, मैया मोको बानर ले दे, मैया मोको बानर ले दे, जो मांगे ये बाबा दे दे, जो मांगे ये बाबा दे दे, नहीं तो जाऊं संग बाबा के, नहीं तो जाऊं संग बाबा के, या सो है पहचान हमारी शिव शंकर बने मदारी, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो, बोलो बजरंग बली की। महारानी कौशल्या ने कहा, अरे बेटा राम, तू बावला हुआ है क्या? भला कोई वानर भी अपने घर में रखता है, ये काट खाएगा। फिर वो शंकर जी से बोली, जाओ बाबा जाओ, तुम्हारे वानर का तमाशा देखकर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। शंकर जी ने फिर हनुमान जी की रस्सी खींची। हनुमान जी आंखों में आंसू भर लाए। राम जी इशारा समझ गए। उन्होंने रोना शुरू किया और लक्ष्मण जी को कोहनी मारी, वे भी रोने लगे। उन्हें देखकर भरत और शत्रुघ्न भी रो दिए। ऊपर अटारी पर राजा दशरथ बैठे थे, उन्होंने बच्चों को रोते सुना। बालक रोते सुने राजा ने, बालक रोते सुने राजा ने, पूछा बालक क्यों रोते हैं, पूछा बालक क्यों रोते हैं, रानिया बोली वानर मांगे, रानिया बोली वानर मांगे, कैसे मांग करूं मैं पूरी, कैसे मांग करूं राजा घर क्या वानर सोहे, राजा घर क्या वानर सोहे, राजा जी ये है मजबूरी, राजा जी ये है मजबूरी, राजा बोले वानर ले लो, राजा बोले वानर ले लो, उसके बदले हीरे दे दो, उसके बदले हीरे दे दो, आज्ञा पालन करो शिव शंकर बने मदारी, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो, बोलो बजरंग बली की जय। अब रानिया मजबूर हो गई, बोली, ऐ मदारी बाबा, राजा जी की आज्ञा हो गई है, कृपा पूर्वक ये वानर दे दीजिए। इसके बराबर तोलकर सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरे जवाहरात ले लो। अब शंकर जी की बारी आई। उन्होंने नाटक रचाया और बोले, रानिया क्या कहती हो? मैं नहीं वानर बेचन आया, मैं नहीं वानर बेचन आया, ये मेरा जन्म जन्म का साथी, ये मेरा जन्म जन्म का साथी, ये ही मेरा एक सहारा, ये ही मेरा एक सहारा, उसे नचा कर करूं गुजारा, उसे नचा कर करूं गुजारा, चाहो तो बिन दाम के दे दूं, चाहो तो बिन दाम के दे दूं, झोली फैला कर तुम मांगो, झोली फैला कर तुम मानो बात हमारी, भोला शंकर बने मदारी, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो, बोलो बजरंग बली की जय। आखिर दुखी होकर रानियों ने झोली फैला दी। तब भोला जी बोले, माताओं, मुझे वानर देने में कोई संकोच नहीं है, परंतु इस वानर को एक बुरी बांध पड़ी है। रानिया बोली, वो क्या बाबा? या को बांध पड़ी नाचन की, या को बांध पड़ी नाचन की, राम नाम का भजन करन की, राम नाम का भजन करन की, ये नाचेगा नहीं तो बीमार हो जाएगा। अब सोच लो, तुम्हारे घर में इसे कौन नचाएगा?
तब भगवान राम बोले, मैं या तो नित नाच कराऊं, मैं या तो नित नाच कराऊं, इस सेवा को आप निभाऊं, इस सेवा को आप निभाऊं। मैया बोली, क्या बात करता है रे, तू वानर को कैसे नचाएगा? जाओ जाओ बाबा, ले जाओ अपना वानर, हमसे ये नहीं होगा। तब राम जी बोले, मैया तुम चाहो तो मैं अभी नचा कर दिखाऊं। लाओ बाबा, मुझे डोरी दो वानर की। भोलानाथ ने बजरंग बली की डोर राम जी के हाथ में दे दी और नचाने लगे श्री राम जी। राम नचाए बजरंगी नाचे, राम नचाए बजरंगी नाचे, संग संग में बम भोला नाचे, संग संग में बम भोला नाचे, राजा नाचे रानिया नाचे, राजा नाचे रानिया नाचे, मंत्री नाचे बांदिया नाचे, मंत्री नाचे बांदिया नाचे। जय जय अवध बिहारी भोला शंकर बने मदारी, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। बोलो बजरंग बली की। जब राम जी हनुमान को नचाने लगे तो शंकर जी ने सोचा, इससे अच्छा मौका फिर कब मिलेगा, वो भी नाचने लगे। इधर शंकर जी नाचने लगे, ऊपर खड़े खड़े राजा दशरथ भी नाचने लगे, रानियां नाचने लगी, सारा महल नाचने लगा। राम जी ने माता से पूछा, क्यों मैया, नचाना आता है ना मुझे? कौशल्या बोली, बस बंद कर रहे अपनी लीला, नहीं तो हमारी भी पोल पट्टी खुल रही है। शंकर ने बजरंगी दीने, शंकर ने बजरंगी दीने, अंतर ध्यान भये भोला जी, अंतर ध्यान भये भोला जी, जाए समाए बजरंगी में, जाए समाए बजरंगी में, शंकर भक्तन के हितकारी भोला शंकर बने मदारी, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो, भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। बोलो बजरंग बली की। प्रभु प्रेमियों, हनुमान जी राम जी के साथ तब तक अयोध्या में रहे जब तक ऋषि विश्वामित्र राम जी को लेने के लिए नहीं आए। जब वो ताड़का और सुबाहु का वध करने विश्वामित्र के साथ गए तो हनुमान जी को आदेश दिया, जाओ हनुमान, किष्किंधा में वास करो। ये कथा बताती है कि हनुमान जी कैसे शंकर सुवन कहलाते हैं। बोलो हनुमान की। जय जय महावीर हनुमान, जो कोई धरे तुम्हारा ध्यान, जय जय महावीर हनुमान, जो कोई धरे तुम्हारा ध्यान, बेड़ा पार करो, ओ बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो, ओ बेड़ा पार करो। जय जय महावीर हनुमान, जो कोई धरे तुम्हारा ध्यान, बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो, ओ बेड़ा पार करो। बेड़ा
भजन में जीवन बीता इसी लगन में। मस्त रहो तुम राम भजन में जीवन बीता इसी लगन में। सेवा ही है धर्म तुम्हारा सेवा से पाया उजियारा। सेवा ही है धर्म तुम्हारा सेवा से पाया उजियारा। प्यारे रुद्र रूप अवतार प्यारे रुद्र रूप अवतार प्यारे रुद्र रूप अवतार प्यारे रुद्र रूप अवतार। सबके कष्ट हरो सबके कष्ट हरो सबके कष्ट हरो ओ सबके कष्ट हरो। बजरंगी बन गए राम प्रभु के सेवादारी। शंकर से बजरंगी बन गए राम प्रभु के सेवादारी। सूरज से तुम पाई विद्या जाने महिमा कौन तुम्हारी। सूरज से तुम पाई विद्या जाने महिमा कौन तुम्हारी। जो कोई आए शरण तुम्हारी जो कोई आए शरण तुम्हारी जो कोई आए शरण तुम्हारी जो कोई आए शरण तुम्हारी। प्रभु भंडार भरो प्रभु भंडार भरो प्रभु भंडार भरो। जय जय महावीर हनुमान जो कोई धरे तुम्हारा ध्यान। बेड़ा पार करो बेड़ा पार करो बेड़ा पार करो ओ बेड़ा पार करो। अब आगे की कथा सुनाओ ध्यान धरो सब हनुमान का। कैसे बीता आपका बचपन नाम पड़ा क्यों हनुमान का। एक दिन सूरज को जब देखा समझे ये है फल एक सुंदर। उड़े आकाश में बजरंगी जी उसको खा लेने की खातिर। सूरज धर लिया मुख अपने में चहूं और छाया अंधियारा। हाहाकार मची सृष्टि में इंद्र देव ने बज्जर मारा। बज्जर जाए लगा थोड़ी पर सूरज के यूं बच गए प्राण। थोड़ी हनु को ही कहते हैं ऐसे बन गए ये हनुमान। जय जय महावीर बजरंग बजरंग बली। जय जय महावीर बजरंग बली। बोलो बजरंग बली की जय। जब हनुमान जी ने सूरज को अपने मुख में रख लिया तो चहुं ओर अंधेरा छा गया, हाहाकार मच गया। इंद्र ने सोचा आज इस बालक ने सूरज को खाया है, कल को मुझे भी निगल जाएगा। इसलिए इंद्र ने हनुमान जी की तरफ अपना वज्र फेंका। वज्र जाकर हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा, ठोड़ी अंदर को धस गई। ठोड़ी को संस्कृत में हनु कहते हैं, इसलिए आपका नाम हनुमान पड़ गया। बालपन में वो चंचल तो थे ही, अक्सर ऋषि मुनियों के भजन समय उनके वस्त्र लेकर भाग जाते थे। एक दिन ऋषियों ने उनसे कहा, जाओ तुम अपना बल भूल जाओगे। जब तक तुम्हें कोई तुम्हारा बल याद नहीं कराएगा तुम अपनी शक्ति भूले रहोगे। ऋषियों की वाणी असत्य तो होती नहीं है। उसी दिन से हनुमान जी के नटखट स्वभाव में परिवर्तन आ गया और उनके बल का अपव्यय रुक गया। उसके बाद हुआ हनुमान जी के बल राम जी की आज्ञा पर वनराम जीवन यापन कर रहा था। एक दिन ऐसा हुआ जब राम प्रभु वन में आए और सीता हरण हुआ था।
उसी समय सुग्रीव ने उनको आते देख लिया था। हनुमान जी से बोले, तुम जाकर खोज लगाओ, कौन वीर या साधु है ये सब पता चलाओ। विप्र रूप धर चले हनुजी राम से मिलने कारण, हाथ जोड़ कर दूर से कीना एक दूजे को बंधन। देश आपका बनवासी पर कांधे धनुष है धारा, कुछ समझ न आई लीला रूप बनाया प्यारा। राम जी बोले, पंडित जी हम राम लखन दो भाई, वनवास भोगने आए हैं, सीता भी संगती आई। यहाँ पे सीता हरण हुआ, अब उसे खोजते डोले, अपनी कथा सुनाई तुमको और कहो क्या बोले। आपका रूप भी योद्धा सा है पर ब्राह्मण बन आए, अपना भेद बताओ भैया जो परिचय हो जाए। हनुमान जी गिरे चरण में, आप प्रभु जी अंतर्यामी, मैं तो भूला भले आपको, आप क्यों भूल गए मेरे स्वामी। मैं सेवक हनुमान तुम्हारा, कब से बाट निहारूं, चिंता त्याग चढ़ो मोरे कांधे, तन मन सब कुछ वार। जय 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 महावीर बजरंग बली। बजरंग बली मोरी नाव चली। जय जय महावीर बजरंग बली। बोलो बजरंग बली की जय। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाकर पर्वत पर ले आए। उसके बाद हनुमान जी ने भगवान राम का सुग्रीव से परिचय कराया। दोनों की अग्नि की साक्षी में मित्रता कराई। सुग्रीव ने हनुमान जी को सीता की खोज के लिए भेजा। हनुमान श्री राम से बोले, करुणा कर कोई देव निशानी। राम प्रभु ने मुद्रिका दीनी, बोले मीठी मीठी वाणी। इसे देख वो सत्य मानेगी, तुम हो दूत हमारे। हर्ष उन्हें बंधा कर कहना, विपदा के दिन गए तुम्हारे। सागर तट आए बजरंगी, जामावंत बल याद कराया। एक छलांग से लांघो सागर, ये उनको बतलाया। जय जय महावीर बजरंग बली। जय जय महावीर बजरंग बली। बजरंग बली मोरी नाव चली। जय जय महावीर बजरंग बली। बोलो बजरंग बली की जय। ये सुनते ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का सुमिरन हो आया। हनुमान जी ने सागर को पार किया। रास्ते में सुरसा ने परीक्षा ली, उसमें सफल हुए। लंका के द्वार पर लंकनी ने रोका, उसे एक मुष्टका मारकर स्वर्ग लोक पहुंचा दिया। विभीषण से मिले, सीता जी का पता लगाया, मुद्रिका देकर सीता जी का ढाढ़स बंधाया। रावण को समझाने का यत्न किया, परंतु चिकने घड़े पर पानी की बूंद भी नहीं पड़ी। रावण ने हनुमान जी की पूंछ को आग लगवा दी, जिस कारण सोने की लंका राख का ढेर बन गई। राम प्रभु के चरण में आए, सारा हाल सुनाया। आपकी कृपा से मेरे भगवान थोड़ा बल दिखलाया। पर रावण सिर काल नाचता, कोई सीख ना भाई। अपना देर करो मेरे भगवान, जल्दी करो चढ़ाई। राम नाम लिख कर पत्थरों पर, सागर पर पुल बांध रहे हैं। ये सब लीला श्री राम जी दूर खड़े ही देख रहे हैं। सोचा मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं जल पर, क्यों ना मैं ही डालता जाऊं, बन जाए पुल शीघ्र। जय
जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, बजरंग बली मोरी नाव चली, जय जय महावीर बजरंग बली। बोलो हनुमान, नल और नील सागर पर पुल बांध रहे थे। राम जी ने देखा कि वानर मेरा नाम लिखकर पत्थर सागर में डाल रहे हैं और पत्थर पानी पर तैर रहे हैं। यदि मैं स्वयं ही पत्थर सागर में डालता जाऊं तो कितना समय बचेगा। किंतु भगवान ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो मैं पत्थर सागर में डालूं और डूब जाए। पहले एक पत्थर सागर में डालकर देख तो लूं। वो सागर के किनारे किनारे चल दिए। हनुमान जी ने देखा तो सोचा भगवान अकेले किधर जा रहे हैं। वो उनके पीछे पीछे छोटा सा रूप धारण करके छुपते छुपते चल पड़े। दूर जाकर राम जी ने एक पत्थर उठाया, चहुं ओर निहारा और पत्थर सागर में डाल दिया। परंतु हुआ वही जिसका राम जी को डर था, पत्थर पानी में डूब गया। राम जी ने मन ही मन सोचा अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। परंतु हनुमान जी झाड़ी से निकलकर कहने लगे प्रभु मैंने देख लिया है। राम जी ने कहा किसी को बताना नहीं, नहीं तो तुम्हारे वानरों का विश्वास टूट जाएगा। हनुमान जी बोले नहीं प्रभु, हमारा विश्वास नहीं डोलेगा। हम जानते हैं कहां लग कहूं मैं नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। प्रभु जो बल आपके नाम में है वो आप में नहीं है। और फिर मेरे प्रभु तैरते तो पत्थर हैं जिनके हृदय पर आपका नाम लिखा हुआ है, और जिसे आपने फेंक दिया वो तो डूबेगा ही। तैयार हुआ पुल सागर पर, लंका पर हुई चढ़ाई, मौत की छाया चहुं और थी जब ये हुई लड़ाई। मेघनाथ ने नाग पास में राम लखन को बांधा, चहुं और दुख संकट छाया ऐसी आई बाधा। हनुमान जी गरुड़ को लाए जिन्होंने बंधन काटे, धन्य धन्य बजरंगी प्यारे राम के बंधन काटे। जय 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 महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, बजरंग बली मोरी नाव चली, जय जय महावीर बजरंग बली। बोलो
जीवन दीनी, ला संजीवन दीनी। कौन बचाता लक्ष्मण जी को, कौन बचाता लक्ष्मण जी को, जो हनुमान न होते, जो हनुमान न होते। कौन काटेगा राम के बंधन, कौन काटेगा राम के बंधन, जो हनुमान न होते, जो हनुमान न होते, जो हनुमान न होते। लखन को हर कर ले गया अहि रावण बलकारी, अहि रावण बलकारी, रावण बलकारी। बलि चढ़ाने काली की जब उसने करी तैयारी, उसने करी तैयारी, उसने करी तैयारी। काली रूप धार कर हनु ने अहि रावण को मारा, राम लखन को छुड़ा के लाया, यही राम दुलारा, यही राम दुलारा। कौन काटता ये सब संकट, कौन काटता ये सब संकट, जो हनुमान न होते, जो हनुमान न होते। कौन काटेगा राम के बंधन, कौन काटेगा राम के बंधन, जो हनुमान न होते, जो हनुमान न होते, जो हनुमान न होते। भरत के प्राण बचावन कारण आप अयोध्या आए, आप अयोध्या आए, आप अयोध्या आए रहे हैं श्री राम जी समाचार पहुँचाए, समाचार पहुँचाए, समाचार पहुँचाए। भरत ने उनको गले लगाया, धन्य धन्य उपकारी, तुम ना होते हनुमान तो जल्दी चिता हमारी, जल्दी चिता हमारी। भरत की विपदा मिटा था, भरत की विपदा कौन मिटा था, जो हनुमान न होते, जो हनुमान न होते। कौन काटेगा राम के बंधन, कौन काटेगा राम के बंधन, जो हनुमान न होते, जो हनुमान न होते, जो हनुमान न
श्री राम रावण को मुक्ति देकर अयोध्या पधारे। श्री राम के साथ सुग्रीव, विभीषण, नल, नील, अंगद, हनुमान और वानर सेना के मुख्य मुख्य योद्धा भी अयोध्या आए। अयोध्या के दर्शन कर भगवान राम का राज्याभिषेक देख जब सब वापस जाने लगे तो भगवान राम ने सबको कुछ न कुछ उपहार दिया, परंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। सीता जी ने कहा, प्रभु आपने सबको उपहार दिए हैं किंतु मेरे लाडले हनुमान को कुछ नहीं दिया। राम जी ने कहा, सीते मैंने बहुत सोच विचार कर देख लिया है कि हनुमान जी को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। सीता जी ने कहा, आप दें या ना दें, मैं अपना ये हीरे जवाहरात का हार हनुमान जी को देती हूँ। सीता जी ने हार उतारा, हनुमान को दीना, हर्ष सहत श्री हनुमान ने उसी हार को लीना। हार लिया और सभा के बाहर आए अंजनी लाला, एक कोने में बैठ गए और हार तोड़ सब डाला। एक एक हीरा तोड़ते जाए, दूर फेंकते जाए, किसी चीज की खोज थी उसमें वो ना उसमें पाए। आखिर आसुग्रीव ने पूछा, ये क्या खेल रचाया, लाख करोड़ों के हीरों को मिट्टी में है मिलाया। हनुमान जी हंस कर बोले, ये सब झूठी माया, ढूंढ रहा था इन हीरों में मेरा राम समाया। एक एक हीरा तोड़ ताड़ कर देख चुका ये दास, ना हीरों में सीता मैया ना प्रभु राम का वास। जिनमें नहीं राम और सीता, मेरे हैं किस काम के, मेरे लिए ये कंकर पत्थर ना कौड़ी ना दाम के। तब सुग्रीव जी हनुमान से बोले, वचन ये प्यारे, क्या तेरे हृदय में बसते सीता राम प्यारे। हनुमान ने चीर के छाती सबको दर्श कराया, वहाँ विराजे सिया राम जी, धन्य धन्य तेरी माया। जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, बजरंग बली मोरी नाव चले। बोलो बजरंग बली की। हनुमान जी ने अपनी भक्ति और प्रेम का परिचय दिया, नाखूनों से अपनी छाती चीर कर उसमें भगवान राम और सीता जी के दर्शन कराए। रोम रोम में राम बसे और सांस सांस में सीता, इन चरणों में रहते रहते एक जमाना बीता। रैन दिना श्री हनुमान जी चिंता एक करते हैं, जितना प्यार करे सीता को मुझे नहीं करते हैं। जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग। हनुमान जी के मन में ये चिंता सदा बनी रहती थी कि भगवान राम जितना प्यार सीता जी से करते हैं मुझे नहीं करते, हो न हो कोई न कोई त्रुटि अवश्य है मेरी सेवा और भक्ति में। तभी तो जितना ध्यान सीता जी का रखते हैं उतना मेरा नहीं। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि आखिर सीता जी भगवान को रिझाने के लिए क्या करती हैं। हनुमान जी ने एक दिन छुप कर देखा कि सीता जी अपनी मांग में सिंदूर भर रही हैं। आप पहुंच गए मैया के सम्मुख, चरण वंदन करके सीता जी से पूछा, मैया ये क्या लगा रही हैं अपनी मांग में,
सीता जी ने कहा, लाडले ये सिंदूर है, इसे नित्य मांग में भरती हूँ। जानते हो क्यों? इस सिंदूर को देखकर भगवान बहुत खुश होते हैं। बस हनुमान जी तो उछल पड़े, जान गया मैया यही भूल हुई है मुझसे, मैंने अपने बालों में कभी सिंदूर नहीं भरा। सीता जी ने कहा, नहीं रे भोले हनुमान, ये तो केवल स्त्रियों के लिए होता है। हनुमान जी बोले, ना माता, अब ना आऊंगा आपकी बातों में। अभी सारे शरीर में सिंदूर का फैलान पहनकर राम जी को प्रसन्न कर लेता हूँ। सर से पांव तक बजरंगी पहन सिंदूर का बाना, पहुंच गए दरबार राम के सबने अचरज माना। राम ने पूछा, हनुमान जी ये क्या रूप बनाया, लाल मेरे ये लाल लाल हो कैसा खेल रचाया। नैनों में जल भर कर लाए हनुमान बलकारी, हाथ जोड़ कर बोले, प्रभु जी सुनिए विनय हमारी। सीता जी तो चुटकी भर सिंदूर मांग में भरती, चुटकी भर सिंदूर से ही वो खुश है आपको करती। मैंने अपने तन पर प्रभु जी सवा सेर सिंदूर लगाया, आपको खुश करने की खातिर ये है स्वांग बनाया। अब तो खुश हो भगवान मेरे, ये स्वीकार करोगे, मुझे भी अपना दास मान सीता संग प्यार करोगे। ये सुनकर श्री राम प्रभु के नैनों में जल आया, अपने भोले भक्त को उठकर प्यार से गले लगाया। वरदान दिया श्री राम ने उनको, जो कोई तुम्हें सिंदूर चढ़ाए उसको भक्ति मिले, हमारी मनोवांछित फल पाए। जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग। एक बार श्री भरत लखन ने मिलकर बात बनाई, शत्रुघ्न को भी संग लीना सोचे तीनों भाई। बहुत दिनों से हनुमान जी सेवा धर्म निभाए, कुछ ऐसा हम यत्न करें आराम वो करने पाए। सीता माँ को साथ मिलाकर उन्होंने ऐसा सोचा, हम ही बांट ले सब सेवाएं, ये है मन में इच्छा। सब मिलकर वो राम प्रभु के श्री चरणों में आए, आज से हम सब करेंगे सेवा, मान ले ओ प्रभु राय। जय जय महावीर बजरंग, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली। बोलो बजरंग बली की। एक बार की बात है, भरत लखन शत्रुघ्न और सीता जी राम जी के पास आए और प्रार्थना की, भगवान जब से आप अयोध्या पधारे हैं तब से सारी सेवाएं हनुमान जी ही करते हैं। अब हमारी इच्छा है कि हम उन्हें थोड़ा विश्राम दें और सब सेवाएं हम करें। राम जी ने कहा, परंतु हनुमान जी मानेंगे ये बात? सब ने कहा, आप कहेंगे तो अवश्य मान जाएंगे। आखिर राम जी को मना लिया। हनुमान जी को बुलाया गया। भरत ने कहा, हनुमान जी आप बहुत सेवा कर चुके हैं, आज से हम सब ये सेवाएं भगवान राम की किया करेंगे, आप कृपा करके विश्राम करें। हनुमान जी ये सुनकर उदास हो गए और राम जी से बोले, कौन सी भूल भई है मुझसे जो प्रभु मुझको त्यागा, सेवा छिन गई मुझसे सारी, ऐसा हुआ भागा।
सोच सोच कर बजरंगी ने इतनी विनती कीनी, एक सेवा छोटी सी भरत जी अपने लिए चीनी। जब प्रभु लेंगे कभी उबासी में चुटकी तभी बजाऊं, सब सेवाएं छिन गई बस ये ही फर्ज निभाऊं। जय जय महावीर बजरंग जय जय महावीर बजरंग बली जय जय महावीर बजरंग बली बोलो बजरंग बली की जय। जय जय महावीर बजरंग बली जय जय महावीर बजरंग बली बजरंग बली मोरी नाव चली जय जय महावीर बजरंग बली बोलो हनुमान जी के नैनों में जल भराया और वो बोले, भरत जी चरण सेवा मुझसे छीन गई, अब कृपा करके मुझे एक छोटी सी सेवा तो दे दीजिए। जब भगवान उबासी लेंगे मैं चुटकी बजाया करूंगा। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, ये भी कोई सेवा है, और इशारों ही इशारों में सबने हाँ कर दी। भरत जी बोले, खुशी से हनुमान तुम ये सेवा ले लो, हमें स्वीकार है। हनुमान जी ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। चुटकी की सेवा पाकर प्रसन्न हुए बजरंगी, और नहीं कुछ चाहिए ये सेवा सबसे चंगी। कर अपनी अपनी सेवा सब अपने भवन गए हैं, पर हनुमान जी बजरंगी अंतरपुर डटे हुए हैं। सीता जी बोली, अब बेटा तुम भी घर को जाओ, विश्राम करो माँ सेवा कर, कल सुबह सवेरे आओ। हनुमत बोले, ना माता जी मैं अब कहाँ पे जाऊँ, ना जाने कब आए उबासी चुटकी तभी बजाऊँ। क्या भरोसा है मेरी मैया कब आ जाए उबासी, मैं सेवा से वंचित रह जाऊं भूल न ऐसी होगी। अब तो मुझको पल पल छिन छिन साथ ही रहना होगा, ध्यान रहे भगवान के मुख पर तब ही धर्म निभेगा। जय जय महावीर बजरंग बली जय जय महावीर बजरंग बली जय जय बजरंग बली जय जय महावीर बजरंग बली बोलो बजरंग बली की जय। तब हनुमान जी ने सोचा, बड़ा अच्छा अवसर है, चलो बैठा बैठा ही कीर्तन कर लूं। जय जय सिया राम जय जय सिया नाम जपते जपते हनुमान ने चुटकी बजाई, नाच नाच कर बजरंगी ने राम की महिमा गाई। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। राम नाम जपते जपते हनुमान ने चुटकी बजाई, नाच नाच कर बजरंगी ने राम की महिमा गाई। जय जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम।
राम नाम है सार और कोई सार नहीं। श्री राम नाम है सार और कोई सार नहीं। राम नाम है सुख का दाता, राम नाम है सुख का दाता, राम नाम है सुख का दाता। राम पिता और राम है माता, राम पिता और राम है माता। जय श्री राम। वही करेंगे बेड़ा पार और कोई सार नहीं, सार नहीं। श्री राम नाम है सार और कोई सार नहीं। राम सुमिर नर सांझ सकारे, राम सुमिर नर सांझ सकारे, राम सुमिर नर सांझ सकारे। वो ही जगत के हैं उजियारे, वो ही जगत के हैं उजियारे। जय श्री राम। मुहे उनका ही आधार और कोई सार नहीं, मुहे उनका ही आधार और कोई सार नहीं। श्री राम नाम है सार और कोई सार नहीं। श्री राम नाम है सार और कोई सार नहीं। जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। इधर बजावे हनुमान जी दोनों हाथ सीता की, उधर राम जी लेते उबासी सीता के मन की। बार बार जब आए उबासी राम जी हुए बेचैन, अब खुले का खुला रह गया कैसे आवे चैन। भरत लखन को खबर मिली तो सब ही दौड़े आए, राम को देख के बेचैनी गुरु विशिष्ट जी आए। श्री राम जी का मुंह खुला देख कर सबका मन घबराया, जाने कौन सा रोग हुआ ये कैसा संकट आया। संकट मोचन जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। बोलो बजरंग बली की जय। अत्यंत हृदय स्पर्शी और मनोरम दृश्य था, सब खुश हो गए। तब सीता ने हनुमान के सिर पर हाथ धरा था, मेरे लाडले सबने मिलकर तेरा हक छीना था। तुझसे राम की सेवा छीने ये किसमें है शक्ति, भगवान ने तो इस चुटकी से दिखा दी तेरी भक्ति। चरण दबाओ चवर झुलाओ करो सभी तुम सेवा, दास दलीली का है कहना सेवा में है मेवा। जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली,
बजरंग बली मोरी नाव चली, बजरंग बली मोरी नाव चली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली। बोलो बजरंग बलिहार प्यारे बजरंगी, जाए तुम पर हम बलिहार प्यारे बजरंगी, तुम सेवा के अवतार प्यारे बजरंगी, जाए तुम पर हम बलिहार प्यारे बजरंगी। धर्म तुम्हारा राम नाम का तुम्हें सहारा, राम की सेवा धर्म तुम्हारा राम नाम का तुम्हें सहारा, करो दुष्टों का संघार प्यारे बजरंग, जनों के सदा सहाई सबकी बिगड़ी बात बनाई, भक्त जनों के सदा सहाई सबकी बिगड़ी बात बनाई, तुम दीनों के दातार प्यारे बजरंग, प्यारे बजरंगी, जाए तुम पर हम बलिहार प्यारे बजरंगी, तुम सेवा के अवतार प्यारे बजरंगी, जाए तुम पर हम बलिहार प्यारे बजरंगी। हनुमान जी के भक्तों, आपने रामायण में राम जी के मुख से बार बार सुना होगा
कि हनुमान जी तुम मुझे भरत से भी प्यारे हो, भरत समान भाई हो, लखन समान भैया हो। भक्तगण सोचते होंगे राम जी हनुमान जी को भाई कैसे मानते हैं। तो आइए हम आपको एक कल्प की रोचक कथा सुनाते हैं। हनुमान जी की माता अंजनी और पिता केसरी ने अनेक वर्षों तक शंकर जी का तप किया। शंकर जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। अंजनी माँ ने परम भक्त और बलशाली बेटे की इच्छा प्रकट की। शंकर जी ने प्रसन्नता पूर्वक वरदान दिया कि तुम प्रातः अंजलि देने की मुद्रा में सूर्य देव के सामने खड़ी हो जाना। कोई पंछी जब तुम्हारी अंजलि में चरु गिरा जाए उसे खा लेना, उसी से तुम्हारे तेजस्वी और परम भक्त पुत्र पैदा होगा। उधर राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ रचाया, जिसमें स्वयं देव ने प्रकट होकर चरु दिया और कौशल्या ने अपना हिस्सा कैकेयी को दिया, जिससे भरत जी का जन्म हुआ। चील ने वही चरु अंजनी माँ के अंजलि में डाल दिया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इस प्रकार हनुमान जी राम जी के भाई माने जाते हैं। एक चरु और एक हवि से जन्मे राम और हनुमान, इसीलिए ये माने जाते दोनों एक समान। हनुमान और भरत लखन में राम न अंतर माने, सेवा और पूजा को उनकी सबसे उत्तम जाने। जय 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 महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली। अद्भुत लीला और सुनाओ हनुमान प्यारे की, कलयुग में सुख देने वाली राम नाम की साखी। एक बार प्रभु राम जी ने दरबार सजाया था, देश देश के राजाओं को आज बुलाया था। करे आदेश राज करना है कैसे प्रजा का पालन, प्रजा तो पुत्र समान है होती इन परवारो तन मन। जिस राजा नहीं प्रजा प्यारी, तेरा जा है नरक अधिकारी। इसी सभा के एक द्वार पर नारद आन विराजे, जिस द्वारे से अंदर जाते राजे और महाराजे। नारद जी ने एक राजा को रोका कर सम्मान, आओ राजा राजकुंवर जी बात सुनो धर ध्यान। अंदर जाकर प्रभु राम के चरणन शीश निवाना, ऋषियों मुनियों का वंदन कर सबको शीश झुकाना। परंतु विश्वामित्र ऋषि को नहीं देना सम्मान, इनके चरण कभी नहीं छूना ये तुम रखना ध्यान। बोलो देव ऋषि नारद की जय। राजा ने नारद जी से ऋषि विश्वामित्र का सम्मान न करने का कारण पूछा, तो नारद जी ने राजा से कहा कि ऋषि विश्वामित्र भी क्षत्रिय हैं, तुम भी क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को क्षत्रिय का प्रणाम करना नहीं बनता है। ये तो सभी जानते हैं कि एक बार नारद जी की जो बात मान ले वो कहां बच सकता है। राजा बेचारा आ गया नारद जी की बातों में। उसने भगवान के दरबार में जाकर सबको प्रणाम किया और जानबूझकर विश्वामित्र जी के आगे सर नहीं झुकाया। विश्वामित्र क्रोध में भरकर राम जी से बोले, राम तेरे दरबार में मेरा अपमान हुआ, राजा ने मुझे नमस्कार नहीं किया। मैं चाहता हूं कल सूरज छिपने से पहले इसे मृत्युदंड देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें शाप देता हूं। राम जी बोले, गुरुदेव अभी अभी 14 वर्ष का वनवास भोगकर आया हूं, चिंता मत कीजिए, मैं आपके चरण छूकर प्रतिज्ञा करता हूं कि कल मैं उसे मृत्युदंड दूंगा।
राजा की जान पर बनाई। वो भागा भागा नारद जी के पास आया। राम ने की प्रतिज्ञा, जब ये मृत्यु दंड ये पाए, राजा जी तो भागे भागे नारद जी पे आए। नारद जी से बोले, राजा ये क्या लीला कीनी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, जान आपने लीनी। नारद बोले, मत घबराओ, चिंता क्यों करते हो, कल तो बहुत दूर है प्यारे, आज ही क्यों मरते हो। ध्यान लगा कर सुन लो भाई, जो मैं तुम्हें बताऊं, बाल न बांका होगा तुम्हारा, समझो जो समझाऊं। हनुमान जी के घर जाओ, अंजनी माँ को शीश निवाओ, उनको सारी बात बताना, कहना मैया मुझे बचाओ। हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे मेरे प्यारे, संकट मोचन नाम है उनका, कष्ट मिटावन हारे। संकट मोचन जय हनुमान, कष्ट निवारण जय हनुमान बोला। संकट मोचन जय हनुमान, कष्ट निवारण जय हनुमान बोला। बजरंग बली की जय। राजा ने अंजनी मैया से रक्षा की याचना की तो अंजनी मैया ने उससे कहा, बेटा तुम बाहर बैठो, अभी मेरा लाल हनुमान आएगा, मैं उससे कह दूंगी, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। राजा बाहर जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। राम जी की सेवा के बाद हनुमान जी घर आए, माँ के चरणों में शीश नवाया और आशीर्वाद लिया। माँ ने प्यार से भोजन कराया और भोजन के बाद बोली, हनुमान आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, दोगे? हनुमान जी गदगद होकर बोले, वाह मैया, आज का दिन मेरे लिए कितना अच्छा है। मैं रोज सोचता था माँ मुझसे कुछ मांगे मांगे। मांगो माँ, जल्दी मांगो। हनुमान जी बोले, मैया जो मांगोगी दूंगा, यदि प्राण भी मांगो माता चरणों में धर दूंगा। माता बोली, एक राजा ने शरण हमारी ली है, किसी ने कल तक उसे मारने की प्रतिज्ञा की है, उसकी रक्षा करनी होगी। सुन बजरंगी प्यारे, मेरे वचन की रक्षा करना, अब है हाथ तुम्हारे। जय जय महावीर बजरंग बली, 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 बोलो बजरंग बली की जय। माँ की बात सुनकर हनुमान जी खूब हंसे। बस मैया, इतनी सी बात? मैं तुम्हारे चरण छूकर भगवान राम की सौगंध खाता हूँ कि उस राजा का बाल भी मां का नहीं होगा। जरा देखिए विधि की कैसे विडंबना है। उधर राम जी ने प्रतिज्ञा की है कि सूरज छिपने से पहले मृत्युदंड दूंगा, इधर हनुमान ने प्रतिज्ञा कर ली कि राजा का बाल भी बांका नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या होता है। हनुमान जी ने माँ से पूछा, मैया वो राजा है कहाँ? माँ ने कहा, मंदिर के पिछवाड़े बैठा है। हनुमान जी आए, राजा सहमा सहमा उनके चरणों में गिरा। अंजनी लाल में शरण तुम्हारी, मेरी रक्षा कीजे, संकट मोचन नाम तुम्हारा, अभय दान मोह दीजे। हनुमान जी ने समझाया, चिंता त्यागो सारी, काल अगर स्वयं भी आए, रक्षा करूं तुम्हारी। चरणों में गिरे हुए राजा से कहा, जिसने तुम्हारे प्राण लेने की प्रतिज्ञा की है, हमें उसका नाम तो बताओ। राजा ने कहा, नहीं महाराज, वो तो मैं नहीं बताऊंगा। हनुमान जी बोले,
नाम नहीं बताओगी तो रक्षा कैसे होगी? राजा बोला, महाराज नाम सुनकर कहीं आप अपनी प्रतिज्ञा न भूल जाए। हनुमान जी खिलखिलाकर हंसे, अरे भोले तू नहीं जानता, मैं उस राम का सेवक हूं जो कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा बोला, तो सुनिए महाराज। राम जी ने ही वचन दिया है प्राण मेरे लेने का, उन्होंने ही संकल्प किया है मृत्यु दंड देने का। ये सुनकर श्री हनुमान जी थर थर कांपन लागे, ये क्या तूने किया अरे ओ कुंवर राज अभागे। मैं हूँ उन चरणों का सेवक, उनसे कैसे तुझे बचाऊं, काल भी उनसे भय खाता है, उनके सन्मुख कैसे आऊं। जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली। बोलो बजरंग बली की जय। हनुमान जी राजा से बोले, राजा तूने किस संकट में डाल दिया मुझे? राजा बोला, परंतु आपने माँ के चरण छूकर प्रतिज्ञा की है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, यही चिंता तो खाए जा रही है कि मैंने माँ के चरण छुए हैं और राम जी की सौगंध खाई है, अब ये प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? अच्छा राजा, अब तुम जाओ, सरयू तट पर जाओ, रात भर राम का नाम सुमिरन करो, मैं समय से पहले आ जाऊंगा। राजा बोला, देखना महाराज कहीं मेरे प्राण पखेरु ना उड़ जाए। हनुमान जी बोले, चिंता त्यागो चिंतन करो, चिंता चिंतन से जाएगी। हनुमान जी सारी रात सोए नहीं, चिंतन में लग गए हनुमान जी के जीवन का। इससे बड़ा धर्म संकट और क्या होगा कि एक तरफ श्री राम की पावन भक्ति है और दूसरी ओर राजा के प्राण रक्षा के लिए माता अंजनी को दिया हुआ वचन। वो बैठ गए प्रभु राम का चिंतन करने। जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। बोलो रामचंद्र की जय। Oh,
किसके द्वारे जाऊं, तुम बिन मेरा कौन राम जी किसको व्यथा सुनाऊं। तेरा द्वारा छोड़ प्रभु जी किसके द्वारे जाऊं, तुम बिन मेरा कौन राम जी किसको व्यथा सुनाऊं। मोहे सूझे ना कोई द्वार, मोहे सूझे ना कोई द्वार, सिर पर हाथ धरो। मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो। संकट मोचन कहे जगत मोहे, मैं संकट में आया, तुम संग कैसे युद्ध करूं, मैं ये क्या खेल रचाया। ओ, संकट मोचन कहे जगत मोहे, मैं संकट में आया, तुम संग कैसे युद्ध करूं, मैं ये क्या खेल रचाया। तेरी लीला परंपार, तेरी लीला परंपार, सिर पर हाथ धरो। मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो। भगवान में अंतर अंतर्यामी क्या है, मेरी आपकी प्रतिज्ञा में मानो युद्ध छिड़ा है। ओ, भक्त और भगवान में अंतर अंतर्यामी क्या है, मेरी आपकी प्रतिज्ञा में मानो युद्ध छिड़ा है। होगी दोनों की ही हार, होगी दोनों की ही हार, सिर पर हाथ धरो। मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो। आया कष्ट अपार, राम जी आया कष्ट अपार, सिर पर हाथ धरो। राम जी मेरी पार करो, राम जी पार करो, राम जी पार। प्रति की भांति प्रातः भारी मन के साथ हनुमान जी राम जी के पास पहुंचे। चरण सेवा करते करते कहने लगे, प्रभु जी, जी चाहता है आज आपसे कुछ मांगो। ये सुनते ही राम जी खड़े हो गए। मांगो हनुमान, मांगो, मैं जीवन भर सोचता रहा हूं, मेरा हनुमान मुझसे कुछ नहीं मांगता। मांगो, मैं दूंगा, जल्दी मांगो। हनुमान जी ने सोचा, यदि मैंने राजा के प्राण मांग लिए तो ये दे देंगे, वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ डालेंगे। वो तो पहले ही कहते हैं
अपना परम विसार भगत का पूरा परम निभाऊं। नहीं नहीं, मैं राम जी से नहीं मांगूंगा, उनकी प्रतिज्ञा नहीं टूटने दूंगा। राम जी ने कहा, मांगो हनुमान, चुप क्यों हो गए, मांगो ना, मांगो, किस सोच में पड़ गए हो। हनुमान जी ने कहा, आज के दिन की छुट्टी दे दीजिए भगवान। राम जी ने कहा, बस इतनी सी बात। हनुमान जी बोले, कभी आपके चरणों से दूर नहीं हुआ हूं ना, इसीलिए संकोच में पड़ गया था। राम जी ने कहा, जाओ, मुझे भी आज एक राजा को मुक्ति देनी है। हनुमान जी ने मन में विचार किया, मुझे भी तो उसी राजा की रक्षा करनी है। हनुमान जी चले वहां से सरयू के तट आए, राजा देखा महावीर को प्राण प्राण में आए। बोला राजा हनुमान जी राम को आप मनाया, धन्य धन्य बजरंग बली जी मेरा प्राण बचाया। हनुमान बोले राजा जी अभी राम आएंगे, प्राण तुम्हारे लेने कारण राम बाण लाएंगे। मैं भी राम बाण हूँ लाया, उससे युद्ध करूँगा, तुम्हारी जान बचावन कारण प्रभु के साथ लड़ूंगा। हनुमान जी ने कहा, राजा तुमने बहुत बड़े संकट में डाल दिया है मुझे। अभी अभी राम जी घोड़े पर सवार रामबाण लेकर आ रहे हैं, वो तुम्हें मृत्युदंड देंगे। चिंता मत कर, मैं भी रामबाण लाया हूं। राजा कहने लगा, तब मैं बैठ जाऊं? हनुमान जी बोले, नहीं रे पगले, मैं उनके सामने इस शरीर को लेकर कैसे आ सकता हूं? ये लोग हड़ताल, मैं तुम्हारी पीठ के पीछे छोटा सा रूप लेकर छुप जाऊंगा, जब वो आए तो तुम ये बाण चलाना। हनुमान जी ने राजा के कान में मंत्र फूंक दिया। उधर भगवान राम आए तो ये राजा नाच नाच कर गाने लगा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। राजा नाच नाच कर गाए, राम प्रभु अचरज में डूबे, ये क्या हुआ अन्याय। ये तो मेरा परम भक्त है, राम नाम के जपने वाला, मुझसे कैसे दंड वो पाए, जो हो रघुवर रटने वाला। राम ने धनुष बाण नीचे कर लिए, लौट आए महलों को। गुरु विश्वामित्र ने पूछा, क्यों राम, दंड दे आए राजा को? राम जी बोले, वो तो भगवान सुमिरन कर रहा है, उसे कैसे मारूंगा गुरुदेव। अच्छी बात है, मैं तुम्हें शाप देता हूं। राम जी ने चरण पकड़ लिए, नहीं राज ऋषि नहीं, अभी सूरज छुपने में बहुत समय पड़ा है, मैं अभी शक्ति बाण लेकर जाता हूँ, उसे मृत्युदंड देकर ही लौटूंगा। इधर हनुमान जी ने राजा को शक्ति बाण दिया और कहा, देख वो भगवान राम आ रहे हैं, अब तू नाच और गा। जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया।
देखकर राम जी घबराए। अरे ये तो सीता का भक्त बन गया, इस पर शक्ति बाण कैसे चलाऊं? इसे मारना उचित नहीं है। राम जी वापस लौटे। विश्वामित्र आग बबूला हो गए, राम जी से धनुष छीन लिया और बोले, तुम भूल गए हो राम, मैंने ही तुम्हें धनुष बाण चलाना सिखाया है, अब मैं ही उस राजा को यमलोक पहुंचाऊंगा। राम जी उनके चरणों में गिर पड़े। नहीं गुरुदेव नहीं, इस बार वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा, मैं प्रलय बाण लेकर जाऊंगा। उधर हनुमान जी ने राजा को सूचना दी, अरे राजा तेरे कारण प्रभु प्रलय बाण लेकर आ रहे हैं, परंतु चिंता मत कर, इस बार मैं स्वयं उनके सामने आता हूँ, तू नाच नाच कर गा। जय जय सिया राम, 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 जय जय हनुमान, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय देखकर तो राम जी को पसीना आ गया। अरे ये तो मेरे परम भक्त हनुमान जी का भक्त बन गया, इसे मार दिया तो हनुमान जी क्या कहेंगे? राम जी मेरा एक ही तो भक्त बना था, आपने उसे भी मार दिया। इसे नहीं मारूंगा। फिर जब विश्वामित्र का ध्यान आया तो धनुष उठा लिया। राम जी दुविधा में फंसे हुए हैं। विचार करने की बात है, अयोध्यापति इधर से उधर दौड़ते फिर रहे हैं, तो क्या अयोध्या के ऋषि मुनि मंत्रीगण चुपचाप बैठे होंगे? नहीं, वशिष्ठ जी ने सभा बुलाई और नारद जी कहने लगे, विश्वामित्र को समझाओ कि राज ऋषि आपके प्रभु श्री राम इस समय संकट में हैं, सुबह से राम और राम नाम में युद्ध चल रहा है, राम के सामने नाम खड़ा हो गया है, राम जी में वो बल नहीं है जो अपने नाम को जीत सके, राम में वो शक्ति नहीं है जो अपने नाम के सामने डट सके, आपके परम शिष्य राम की हार होने वाली है, कृपा करके उसकी रक्षा करें, अपना वचन वापस लेकर राम जी को बचा लें। विश्वामित्र मान गए। सब ऋषि मुनि सरयू के तट पर आए। विश्वामित्र ने दूर से ही आवाज लगाई, राम ठहर जाओ, उतार दो बाण धनुष पर से, मैंने राजा को क्षमा कर दिया है, आप भी क्षमा कर दीजिए। राम जी ने घोड़े से उतरकर विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। प्रकट होकर हनुमान जी तभी सामने आए, राम राम जयकारा बोला, चरणन शीश नवाए, बोलो सिया राम की जय, बोलो बजरंग बली जनता और ऋषि मुनि सब जय जयकार मनाए, राम नाम के साथ सभी मिल जय हनुमान की गाए, जय जय अवध बिहारी राम, जय हनुमान बजरंगी, जय जय अवध बिहारी राम, जय जय हनुमान बजरंगी, जय जय अवध बिहारी राम, जय जय हनुमान बजरंगी, जय जय अवध बिहारी राम, जय जय हनुमान बजरंगी, जय जय अवध बिहारी राम, जय हनुमान बजरंगी, जय जय अवध बिहारी राम, जय जय हनुमान बजरंगी, बोलो बजरंग बली की जय। तभी नारद जी सामने आए। उन्होंने कहा, प्रभु अभी तो त्रेता युग बीत रहा है, सबको आपके दर्शन हो रहे हैं, परंतु एक समय आएगा जब कलयुग में कोई भाग्यशाली आपके दर्शन कर पाएगा। मैंने हनुमान जी के द्वारा आपसे बलशाली आपके नाम की महिमा दर्शाई है। क्षमा करना प्रभु, यदि मैं ये कह दूं तो भी सत्य है कि राम से बड़ा राम का नाम।
फिर एक दिन राम राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोलो राम 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 तेरे बनेगे बिगड़े काम, बोलो राम 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 तेरे बनेगे बिगड़े काम। जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके ना राम, कूद गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वो पत्थर लिखा हुआ श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला आखिर निकला, अंत में निकला ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम, बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम, बोलो राम 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 तेरे बनेंगे बिगड़े काम। बोलो सिया राम की जय, बोलो बजरंग महापुरुषों ने कहा है हरि अनंत हरि कथा अनंता। जैसे हरि की कथा अनंत है ऐसे ही हरि के भक्तों की कथाएं भी अनंत हैं, अनगिनत हैं, जो जीवन को सुखी बनाने वाली हैं। एक एक कथा सद्मार्ग को दिखाने वाली ज्योति स्तंभ है। बजरंग बली के जीवन संबंधी भी अनगिनत कथाएं हैं जिनमें से हम कुछ ही सुना पाए हैं। अब एक कथा और सुनिए। एक दिन हनुमान बजरंगी सीता जी की शरण में आए, नैनों में जल भरा हुआ है बैठ गए आशीष झुकाए। सीता जी ने पूछा उनसे कहो लाडले बात क्या है, किस कारण ये छाई उदासी नैनों में क्यों नीर भरा है। हनुमान जी बोले मैया आपने कुछ वरदान दिए हैं, अजर अमर की पदवी दी है और बहुत सम्मान दिए हैं, अब मैं उन्हें लौटाने आया मुझे अमर पद नहीं चाहिए, दूर रहूं मैं श्री चरणों से ऐसा जीवन नहीं चाहिए। सीता जी मुस्का कर बोले बेटा ये क्या बोल रहे हो, अमृत को तो देव भीतर से तुम काहे को डोल रहे हो। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा मैं आपका अमर पद लौटाने आया हूँ। सीता जी ने कहा बेटा हनुमान अमर पद पाने के लिए तो देवता तरसते हैं, जरूर तरसते होंगे, लेकिन मैं आपसे जुदा रहकर अमर पद का क्या करूंगा। अभी माँ बेटे में ये वार्तालाप हो ही रहा था कि राम प्रभु जी आ गए। आते ही राम जी ने कहा क्या चर्चा चल रही है माँ बेटे में। सीता बोली सुनो नाथ जी ना जाने क्या हुआ, हनु को पदवी अजर अमर लौटाने आया है ये मुझको।
राम जी बोले क्यों बजरंगी ये क्या लीला नहीं रचाई, कौन भला छोड़ेगा पगले अमृत की ये अमर कमाई। हनुमान जी रोकर बोले आप सकेत पधार रहे हो, मुझे छोड़कर इस धरती पर आप वैकुंठ सिधार रहे हो। आप बिना क्या मेरा जीवन अमृत का विष पीना होगा, तड़प तड़प कर विरह अग्नि में जीना भी क्या जीना होगा। हनुमान जी ने राम जी से प्रार्थना की, महाराज क्या ये सच है आप ये शरीर त्याग कर साकेत धाम पधार रहे हैं? हाँ हनुमान, जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, चाहे वो साधारण जीव हो या अवतार, इसी का नाम तो कालचक्र है। हनुमान जी बोले, तो आप ही कहिए, जब आप यहां नहीं होंगे तो मैं प्रलय तक ये लंबा जीवन कैसे गुजार सकूंगा? राम जी ने कहा, हनुमान सीता का वरदान तुम्हारे लिए ही नहीं है, वो तो संसार भर के कल्याण के लिए है। यही इच्छा है, तुम यहाँ रहोगे, आप संसार के वरदानों का उद्धार करते रहोगे। राम जी ने कहा, मांगो। इस पर हनुमान जी बोले, जहाँ जहाँ आपकी कथा हो, कीर्तन हो, मैं वहाँ उपस्थित होकर आनंद लिया करूँ। सीता जी ने कहा, दे दो प्रभु, दे दो। भगवान राम ने मुस्कुरा कर कहा, सीते तुम नहीं जानती ये क्या मांग रहा है, ये अनगिनत शरीर मांग रहा है। जितनी जगह कथा कीर्तन होगा उतने शरीर मांग रहा है। सीता जी ने कहा, तो दे दीजिए, आपका लाडला है। राम जी ने वरदान दिया तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, वहाँ विराजोगे बजरंगी जहाँ हमारी चर्चा होगी। कथा जहाँ पे राम की होगी वहाँ ये राम दुलारा होगा, जहाँ हमारा चिंतन होगा वहाँ पे जिक्र तुम्हारा होगा। कलयुग में मुझसे भी ज्यादा पूजा हो हनुमान तुम्हारी, जो कोई तुम्हारी शरण में आए भक्ति उसको मिले हमारी। मेरे हर मंदिर की शोभा बनकर आप विराजोगे, मेरे नाम का सुमरन करके सुध बुध खोकर नाचोगे। नाच उठे ये सुन बजरंगी चरण शीश निवाया, दुख हरता सुख करता प्रभु का प्यारा नाम ये गाया। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। बोलो बजरंग बली